ॐ ह्रां हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ ह्रीं आदित्याय नमः। ॐ ह्रूं रवये नमः। ॐ ह्रैं सूर्याय नमः। धर्मनंदन, ये किसकी पूजा करने का दुस्साहस कर रहे हो तुम? हम सूर्य देव की उपासना कर रहे हैं त्रिपुरासुर। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि सूर्य देव की उपासना मन और मस्तिष्क दोनों को असीम शक्ति प्रदान करती है? आओ त्रिपुरासुर, तुम भी सूर्य देव को नमन करके आशीर्वाद प्राप्त कर लो। शांत हो जाओ दुष्ट आचार्य, हमने तुम्हें आदेश दिया था कि तुम किसी भी देवता की पूजा नहीं करोगे, मात्र त्रिपुरासुर की पूजा करोगे, मात्र त्रिपुरासुर की। तुमने हमारे आदेश की अवज्ञा की है और तुम भलीभांति जानते हो कि त्रिपुरासुर सब कुछ सहन कर सकता है, परंतु अपने आदेश की अवहेला कदापि सहन नहीं कर सकता। तुम्हें इसके परिणाम की भी चिंता नहीं है मूर्ख? परिणाम की चिंता तो तुम करो त्रिपुरासुर। तुम्हारे दुराचार, अत्याचार और नृशंस हत्याओं का परिणाम अवश्य ही तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे पाप का घड़ा भरता जा रहा है और प्रति क्षण तुम अपने अंत के समीप पहुंच रहे हो। अंत? त्रिपुरासुर का अंत? महाशक्तिशाली, महापराक्रमी, महाबली त्रिपुरासुर का अंत? असंभव, असंभव। पाप और अत्याचार जब अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो उसका विनाश अवश्यंभावी हो जाता है त्रिपुरासुर। यही तो सृष्टि का नियम है। सृष्टि के नियम को हम बदल के रख देंगे। हमारा नाम त्रिपुरासुर है। संपूर्ण सृष्टि में मात्र हमारी ही पूजा और आराधना होगी। पुरोहित, तुम भी हमारी स्तुति हेतु मंत्रों की रचना करोगे। यह त्रिपुरासुर का आदेश है। हम पुरोहितों का भी आत्म सम्मान होता है त्रिपुरासुर। किसी दुष्ट को महिमा मंडित करने वाले मंत्रों की रचना हमारी मर्यादा की परिधि के विरुद्ध है। दुष्ट पुरोहित, संभवतः तुम्हें स्मरण नहीं है कि समस्त ब्रह्मांड पर हमारा राज स्थापित होगा, असुरों का राज। हम शास्त्र ही नहीं लक्ष्युगों तक राज करेंगे। गजानन गणेश ने हमें अमरत्व का वरदान दिया है। संभवतः तुम्हें स्मरण नहीं त्रिपुरासुर, गजानन गणेश ने यह भी कहा था कि महादेव के एक ही वार से तुम्हारा और तुम्हारे साम्राज्य का विनाश हो जाएगा। विनाश तो अब उस फबूतधारी का होने वाला है मूर्ख पुरोहित, जो हमारे लोहपुर के निर्माण की सूचना पाते ही हमसे इतना भयभीत हो गया कि वो तुम्हारा आश्रम छोड़कर कैलाश चला गया। महाबली त्रिपुरासुर के आतंक से हर प्राणी, हर देवगण ही नहीं, त्रिदेव भी भयभीत हो उठे हैं। त्रिदेव का भयभीत होना मात्र तुम्हारा मिथ्याभास है त्रिपुरासुर। तुम्हें उनकी शक्ति का भान नहीं है, अन्यथा ऐसा मिथ्या प्रलाप तुम करते ही नहीं। पुरोहित, त्रिदेव का गुणगान बंद करो, अन्यथा हम तुम्हारी जीवा काट कर फेंक देंगे। तुम्हारी स्तुति में मंत्रोच्चार करने से अच्छा है हम अपनी जीवा कटवा लें त्रिपुरासुर। धर्मनंदन, तुमने हमारे धैर्य की सीमा तोड़ी है, अब उसके परिणाम के लिए तैयार हो जाओ। हे प्रभु, हे महादेव, हे शिव शंकर, रक्षा करो। हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, रक्षा करो, रक्षा करो। बुला महादेव को, बुला महादेव को। वह हमसे इतना भयभीत हो चुका है कि हमारे समक्ष आने का साहस भी नहीं जुटा पाएगा।